बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग में खुश आमदीद। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज जुमा था, आप सबको जो है जुमा मुबारक, बरकत वाला दिन था आज। तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं व्लॉग और आपको ज़रा अपने गांव की जो है सैर करवा देते हैं, दिखा देते हैं अपना गांव के। एक्चुअली जाम रहते हैं तो वहाँ पे ना सब ग्रीनरी है, यहाँ पे सब जो है ना, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी शोर जिसको कहते हैं या कोई भी हलागुला नहीं है, खामोशी है यहाँ पे। ज़रा अगर मैं यहाँ पे कुछ देर चुप कर जाऊँ तो आपको यहाँ पे परिंदों की आवाज़ सुनाई देगी और कुछ नहीं यहाँ पे सुनाई देगी। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है मंजर, यहाँ पे जो है वो मैं अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ और जो है आप देख सकते हैं पीछे इस तरह का कुछ ऐसा सिस्टम। गांव को एक्चुअली ऐसे निज़ाम होता है तो सिंपल सा और सुकून, यहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, फुली सुकून से आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा ऊपर करके दिखा दूँ, तो कुछ इस तरह से होता है यहाँ का सीन। मज़ीद भी दिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, जो मेरा विलेज है आपको मज़ीद दिखाऊंगा। अब मेरा घर, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा घर कहाँ है। एक्चुअली यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, मतलब ये आप देख सकते हैं ना खजूर का दरख्त, इसके नीचे ही मतलब हमारा घर है। तो ये जो सामने टीला नज़र आ रहा है ना, इसके नीचे उस साइड हमारा घर है। तो या यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है सीन। और क्या, बस आप देखो और इन्जॉय करो। तीन दिन बारिश होने के बाद आज यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी धूप निकली थी सुबह, तो बहुत अच्छा लगा, यकीन करें आप, मतलब एकदम बंदा ना फ्रेश हो गया। तो जब धूप की कदर ना वो सर्दियों में ही पता लगती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ का जो वेदर है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वेदर, या कुछ इस तरह का। ये देखें, ये सामने मुंजी है, ये मुंजी, ये फॉर्म। यहाँ पे अभी कुछ उगाना है, मतलब यहाँ पे अभी कुछ यहाँ पे बोना है, ये ज़मीन तैयार हुई पड़ी है। तो ये होती है यहाँ पे विलेज की लाइफ, देहाती ज़िंदगी, बड़ी सिंपल तरीके से, बड़े सिंपल लोग। लोग भी दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल मैंने कहा ज़रा आज आपको गांव की सैर जो है वो मैं करा दूँ, दिखा दूँ अपना गांव। ये परिंदे सामने, परिंदों की आवाज़ के सिवा यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे। पुर सुकून माहौल है यहाँ पे। अब वहाँ पे सामने अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर नज़र आ जाए आपको तो। अब क्या इतना जूम, मेरा कौन सा 10x जूम हो जाना है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग शिकार के लिए भी आते हैं, यहाँ पर शिकार करते हैं यहाँ पर। ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म में एक्चुअली यहाँ पे तो मुर्गा भी आपको देखने को मिल जाती है और बहुत कुछ यहाँ पे आपको जो शिकार के परिंदे होते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो वो शिकारी आते हैं, बंदूक उनके होती है यहाँ पे, तो जो भी उनको दिखे तो मार के ले जाते हैं। तो शिकार के लिए भी ये जगह बेस्ट होती है। तो अगर आपने कभी शिकार किया हो तो आपको पता होगा कि जो मछली फार्म होते हैं वहाँ पर बहुत परिंदे होती हैं। अभी मैं घर की साइड जा रहा हूँ, इस साइड था, दिखाया था ना। तो हल्की हल्की ना बारिश आ रही है, हल्की हल्की कतरे होते हैं ना वो आ रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन सर्दी बहुत हुई पड़ी है यहाँ पे, बहुत बहुत सर्दी है यहाँ पे, क्या बताऊँ आपको। तो
आज धूप थी थोड़ी सी तो बहुत मज़ा आया। धूप में ही गए, जब जुम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो धूप थी, बहुत मज़ा आया। फिर आया, लंच किया, लंच करने के बाद फिर और भी काम था वो किया। फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को सैर करवाता हूँ, साहब दिखाता हूँ अपना विलेज के मैं कैसा होता है विलेज। बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जो विलेज में रहते होंगे और उनको पता होगा कि विलेज की लाइफ कैसी होती है। और बहुत मज़ा आता है ऐसे करने में। गिर गया ना तो फिर गया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे आम का बाग, आम भी हैं इसमें और माल्टे भी हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जी देखें आप, आया ना मज़ा। तो यहाँ पे एक आप तोड़ लो, तोड़ सकते हो तो, और बहुत हैं, बहुत लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी सामने जो है, मतलब यहाँ पे बहुत इंजॉय होता है। अगर कोई बंदा यहाँ से सिटी से यहाँ पे आता है ना तो वो बहुत यहाँ से इंजॉय करके जाता है। बहुत यहाँ पे किस्म का मज़ा आता है, फ्रेश फ्रेश माहौल होता है यहाँ पे, वेदर भी कमाल होता है, सब चीज़ यहाँ पे। ये नीचे भी गिरे पड़े हैं कुछ क्या। तो या देखो, और इस तरह का कुछ माहौल, और सामने फिर मेरा घर आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने, ये वो आ गया ना खजूर का, यहाँ पे फिर नीचे जो है वो मेरा घर है सामने। तो कैसा लगा आपको मेरा गांव, मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके। और मिलते हैं फिर स्टार के किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।